अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामों या फिल्म देखना बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ड्रामों या फिल्म बनाना भी इतना ही मुश्किल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामा जानेसार काफ़ी फेमस हो चुका है, जो कि हफ्ते में 3 बार चलाया जाता था। नाज़रीन आपको बताते चले, रोज़ न्यूज़ से न्यू टॉपिक सर्च करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब यह ड्रामा हफ्ते में 2 बार चलाया जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पर एक और ड्रामा जिसका नाम इश्क हुआ, जो कि हारून कदवानी और कोमल मीर ने बनाया। चले, हर ड्रामा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, अदाकार को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अदाकार को बार बार लाइन्स बोलनी पड़ती हैं, हर शूट को डायरेक्ट बार बार रिपीट करवाता है, जब तक डायरेक्टर मुतमिन नहीं होता इस शॉट को और ख़त्म नहीं किया जाता। इस वक्त हिबा बुखारी और दानिश तैमूर हर सेट पर नजर आते हैं, क्योंकि इनकी वजह से यह ड्रामा देखा जा रहा है। इस ड्रामे ने पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर दिया। आपको बताते चले, जानेसार ड्रामा काफ़ी ज़बरदस्त है। हिबा बुखारी के हस्बैंड भी अरेज अहमद बार बार यह ड्रामा देखते हैं और हिबा बुखारी की तारीफ़ करते रहते हैं। हिबा बुखारी ने इस ड्रामा में रियल एक्टिंग की। दानिश तैमूर को तो ज़्यादातर हर ड्रामे में अमीरों वाला सीन दिया जाता है, क्योंकि इनके लिए यह बनाना बहुत ही आसान होता है। हमारा आपको बताने का यह मकसद था कि और नाम कमाना इतना आसान नहीं, खुद को मेहनत में मसरूफ करना पड़ता है। और आपको हिबा और दानिश की ये शूटिंग देखकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद। तेरा बाप होगा बूटा, समझ आई ना? तेरे जैसे 4 फुट में निबट लूंगा। नहीं चलेगी, मैं तो बता रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ, देखो ये।